हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे कद्दू और पुई साग। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कटे हुए कद्दू, पुई साग, कटे हुए प्याज, कटे हुए धनिया पत्ते, लहसुन, हरी मिर्च, नमक, जीरा और हल्दी पाउडर। कढ़ाई गरम कर ले, उसमें तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए उसमें जीरा डाल देंगे, कटे हुए प्याज, कटे हुए हरी मिर्च, उसे अच्छे से मिला लें। लहसुन डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। इन्हें अच्छा से भून लें। फिर हम डालेंगे कटे हुए कद्दू, नमक स्वाद अनुसार। फिर डालेंगे पुई साग, सबको अच्छे से मिक्स कर लें। इसे हम थोड़ा देर के लिए कवर कर देंगे ताकि ये अच्छा से पक जाए। पक जाने के बाद इसमें थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते डाल दें और इसे अच्छे से मिला ले। और तैयार है हमारा सब्जी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।